92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। आपके गुरु आप जो होते हैं, पहले स्वतः सुनिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो पाऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिल जाए तब आप आगे बढ़ जाइए। मैं कामिनी खन्ना इस सुबह में आपको देती हूँ ढेर सारी मंगल शुभ बधाइयाँ। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज 23/2/2017 गुरुवार है। आज चंद्रमा धनु राशि में सुबह 11:33 तक फिर मकर में प्रवेश कर जाएंगे। नक्षत्र है उत्तराषाढ़। आज के मुहूर्त हैं सुबह 7:06 से लेकर सुबह 8:32 तक शुभ, दोपहर 12:52 से लेकर 2:19 तक है लाभ, दोपहर 2:19 से लेकर 3:45 तक है अमृत और शाम 5:12 से लेकर 6:38 तक है शुभ। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आप सभी को मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। साईं को प्यार करने वाले साईं को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। साईं पर कई मंत्र रचे गए और साईं की गायत्री भी है। आइए साईं की गायत्री से साईं की आराधना पूजा अर्चन करते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। प्रेम की शक्ति हिंसा की शक्ति से 1000 गुना ज्यादा प्रभावशाली और स्थायी होती है। प्यार करके तो देखिए सभी को, ये नहीं कि स्त्री और पुरुष में ही प्रेम हो सकता है। प्रेम आपको सृष्टि की तरफ, आपको समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति, किसी से भी हो सकता है और प्रेम की भाषा सब समझते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं भी तो प्यार से बुलाती हूँ आपको। कैसे हैं मेरे प्यारे समझदार सुंदर भोले श्रोता? जानिए आप मेष से लेके कन्या राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि के लिए चंद्रमा धनु में जब तक बने हुए थे तब तक बेचैनी है। सुबह 11:33 के बाद बेचैनी खत्म और काम शुरू। आपके पिता भी साथ देंगे और साथ ही साथ आपको धन लाभ भी होगा। वृषभ राशि के लिए अब 11:33 के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी, भाग्यवर्धक सूचनाएं आएंगी आपको और साथ ही साथ आपके पराक्रम भी खुल जाएंगे। मिथुन राशि के लिए 11:33 के बाद जब चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे मकर में तो थोड़ी सी हेल्थ की चिंता फिर भी रहेगी। श्रवण नक्षत्र जब आएगा इसके बाद तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी तबीयत को लेकर, और अगर ज्यादा वीक फील करते हैं, थके हुए फील करते हैं तो आराम कीजिएगा, ये एक दिन बिताने की आराम से जरूरत है। कर्क राशि के लिए आज चंद्रमा जब आपके आ जाएंगे मकर में 11:33 के बाद तो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे। आपकी मन की बेचैनी खत्म होगी, आपके परिवार में झगड़े फसाद खत्म होंगे और आपको बहुत सारा पानी पीते ही रहना चाहिए हमेशा जिंदगी में, जिससे आपकी एनर्जी बनी रहे। सिंह राशि के लिए आज चंद्रमा जब आपके रिलैक्स हो जाएंगे शनि के साथ छोड़ देंगे और सूर्य बुध के साथ षष्ठ में आएंगे, फिर भी आपको थोड़ी सी लोन वगैरह की, कर्जों की चिंता रहेगी, विरोधकों की चिंता रहेगी। हालांकि आपको विदेश से रिलेटेड कई कार्यक्रम आपके संकल्पित हो जाएंगे। कन्या राशि के लिए चंद्रमा चतुर्थ से निकलकर अब जाके पंचम में आएंगे, जिससे काफी रिलीफ होगा आपको। अपने बच्चों से रिलेटेड आप कोई भी समस्या है उसका निदान पा सकते हैं। आपकी मम्मी की तबीयत में सुधार है, आपके घर के लोगों से आपकी बन रही है, पट रही है। अगर आप वाहन कहीं लेके जाना चाहते हैं तो अब आप जा सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना मेष से लेके कन्या राशि तक का भविष्य बता रही थी। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको तुला से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। तब तक बने रहिए मेरे साथ इसी प्यारे से कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर।
पंचविकारों की चर्चा हमेशा हमारे पुराणों में, वेदों में, सभी जगह होती है। और ये पंच विकार होते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। अब ये खत्म नहीं किए जा सकते, लेकिन कम तो किए जा सकते हैं। इनके कम करने से आपको भी शांति मिलती है, समाज में भी शांति रहती है। आइए इसी पर एक भजन सुनते हैं और सुबह को काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रहित बनाते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर, कामिनी खन्ना के साथ। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम हिल जाते हैं अपनी जगह से और लगता है अब हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो समय जब बीत जाता है, मुझे मेरे किसी गुरुजी के स्वजन ने कहा था कि कामनी जब बेचैनी हो तो वो जगह छोड़ दो। तो आप भी करके देखिए, जब आपको कहीं किसी जगह पर बेचैनी हो रही हो तो दूसरी जगह चले जाइए, बाहर चले जाइए, घूम फिर आइए, वो बेचैनी खत्म हो जाएगी। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ इस सुबह में आपको देते हुए बधाई इस दिन की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। ये सुबह आपको अत्यंत शुभ हो, आपके सारे कार्य बने। और अब जाने तुला से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। तुला राशि के लिए पराक्रम खुलेगा, आपके भाई बहनों से जो मनमुटाव हुआ था वो खत्म हो जाएगा और साथ में आपकी यात्रा के भी योग फिर से खुल जाएंगे और आपके माता से आपको सलाहें मिलेंगी। वृश्चिक राशि के लिए अब चंद्रमा आपके द्वितीय से निकलकर आपकी वाणी को करते हैं मधुर और साथ में आपके परिवार में छाएगी खुशी। आपको यात्रा का अच्छा योग बनता है, घूमने फिरने जाना है तब भी या काम करने जाना है तब भी आप जोरों से काम करते हैं। धनु राशि के लिए आपके लग्न से चंद्रमा निकलकर आपकी तबीयत की जो चिंता छाई हुई थी आपको वो खत्म होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको अब और आपका परिवार आपको पूर्ण सपोर्ट दे रहा है। वैसे आपको मैं एक बात बता दूं कि अब जो है बुध और सूर्य भी कुंभ में चले गए तो आपको रिलैक्स फील हो रहा है पहले से ज्यादा, तो आप स्थिति को एंजॉय कीजिए। मकर राशि के लिए अब जो है चंद्रमा आपके लग्न में आकर आपकी पर्सनालिटी को उजागर करते हैं और साथ ही साथ आपको कई सारे काम मीडिया से रिलेटेड या कोई भी ऐसे जो फिल्म लाइन से रिलेटेड करने हैं उन पर करने का आपको पूरा मौका मिलता है और साथ ही में आपके पार्टनर स्पाउस आपको सपोर्ट करते हैं। कुंभ राशि के लिए बुधादित्य योग अब लग्न में बना हुआ है और चंद्रमा द्वादश में आकर थोड़ी सी आपको विरोधियों से चैन दिलवाते हैं और वो कूल हो जाते हैं और आप भी कूल हो जाते हैं। हो सकता है आप खर्च करें आज के दिन और हो सकता है कि आपको थोड़ी सी अपनी जुबान के कारण प्रेम संबंधों में खटास मिले। मीन राशि के लिए आपके लग्न में बैठा शुक्र मंगल जो अभी बना हुआ है वो आपको अभी तक रोमांटिक बनाए हुए है और 11:33 के बाद जो आपके शनि के सहचर चंद्रमा बने हुए थे वो निकल कर लाभ में आएंगे तो आपको लाभ होगा, आपका माइंड कूल होगा, आप सही सोचेंगे, आपके बच्चे भी आपको सही सलाह देंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मैं इससे लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल टिप, तब तक बने रहना है इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। किसी के प्रति ईर्ष्या भावना रखना, ज्यादा से ज्यादा प्यार बांटना, अपनी आत्म को पवित्र रखने के लिए झूठ ना बोलना और इसके साथ जो है दूसरों का भला करना, अपने साथ दूसरों का भी भला कीजिए। ये सब करेंगे तो निर्मल हो जाएगी आपकी आत्मा और ये भजन सुनिए ना, ऐसा ही कुछ कहता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर, कामिनी खन्ना के साथ। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है। अब आप कहेंगे कि कामनी जी क्या हो गया आपको, कठिनाइयाँ क्यों आए हमें? अरे कठिनाइयाँ आएंगी तो आप सफलता का आनंद उठाने के लिए सिद्ध हो जाएंगे और जब दुख नहीं होता तो सुख का क्या आनंद है और रात नहीं होती तो सुबह का क्या आनंद है। तो हर चीज़ का अपना महत्व है। रात आती है सोने के लिए, कठिनाइयाँ आती हैं सिखाने के लिए। इंसान आगे तभी बढ़ता है जब उसे कठिनाइयाँ आती हैं और उसको फेस करता है वो। तो गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। मैं कामिनी खन्ना आपका स्वागत करती हूँ और अब एक एस्ट्रोलॉजिकल टिप बता रही हूँ हल्दी के विषय में। अभी हल्दी दो तरह से मिलती है, एक हल्दी की गांठ मिलती है जिसको पीस कर हल्दी बनाई जाती है। आजकल बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेटेड हल्दी भी आती है तो कई लोग अपने घर में हल्दी की गांठें सुखा के उसको पीसते हैं और नहीं तो बाजार में पीसी हुई हल्दी मिलती है आपको ढेर सारी। ये हल्दी जो है ये पूरी तरह डिनोट करती है खुद को, गुरु का ग्रह बताती है वो और इसको हर तरह से एस्ट्रोलॉजिकली भी उपयोग में लाया जा सकता है
और इसको खाने में भी उपयोग में लाया जा सकता है। मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल बताऊं, गुरु ग्रह डिनोट करता है आपके स्पाउस से, पत्नी से रिलेट करता है, शादियों से रिलेट करता है। जब आप ये हल्दी की गांठ अपने साथ रखते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती, वो ऐसे लोग जो हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध कर पीले धागे से अगर अपने साथ रखते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आपकी शादी के योग जल्दी आ जाए। करके तो देखिए, मैंने कहा है तो हो सकता है ये हो जाए, लेकिन इसके लिए कुछ राशियां वर्जित होती हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे, उससे पहले अपना राशि लग्न किसी अच्छे जानकार ज्योतिष से जानिए और फिर ऐसा कीजिए। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, आशीर्वाद हमेशा ही चाहिए। साईनाथ के हजारों हाथ हैं, यहाँ याद करो तो लोगों को चमत्कार घर में भी महसूस होता है। मैंने ऐसा सुना है, मैंने देखा नहीं लेकिन मैंने सुना ज़रूर है। हमारे एक डॉक्टर थे, उनके भी घर में साई के चमत्कार आए दिन होते रहते थे और बाबा एकदम अपने आप को धर्मनिरपेक्ष रखते हुए सभी का भला करते हैं। आइए साईं बाबा की आरती करके दिन को आगे बढ़ाएं और अपना मंगल करें।